नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VSN ब्लॉक विथ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 02883 दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस COVID-19 स्पेशल ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, पूरी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। यह ट्रेन दुर्ग जंक्शन से दोपहर को 12:15 पर खुलती है और आपको अगले दिन सुबह हजरत निजामुद्दीन 7:40 पर पहुँचाती है। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर सोमवार को, हर गुरुवार को और हर शनिवार को। और इस ट्रेन को दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक 1280 किलोमीटर की दूरी तय करने में 19 घंटे 25 मिनट का समय लेता है और इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। चलिए अब मैं छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको 3 सेकेंड सीटिंग का कोच, 7 स्लीपर क्लास का कोच, 6 थर्ड एसी क्लास का कोच, 2 सेकेंड एसी क्लास का कोच और 1 फर्स्ट और सेकेंड एसी का कंपोजिट कोच और 1 पेंट्री कार का कोच होता है इस ट्रेन में। चलिए अब मैं इस ट्रेन के फेयर के बारे में जानकारी देता हूँ। सेकेंड सीटिंग का 355 रुपये, स्लीपर क्लास का 595 रुपये, थर्ड एसी का 1560 रुपये, सेकेंड एसी का 2225 रुपये और फर्स्ट एसी का 3775 रुपये। यह किराया दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक का है। चलिए अब मैं छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक। इसका लोकोमोटिव WAP-7 होता है और इस ट्रेन का लोकोमोटिव बिलासपुर जंक्शन पर रिवर्स किया जाता है। चलिए अब मैं छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको पेंट्री कार और अनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको ई कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कौन से रूट से होकर जाती है, जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन दुर्ग जंक्शन से खुलती है दोपहर को 12:15 पर। इसका पहला हॉल्ट आता है रायपुर जंक्शन, जहां पहुंचती है दोपहर को 12:50 पर और 12:55 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट आता है भतपारा, जहां पहुंचती है दोपहर को 1:43 पर और 1:45 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका तीसरा हॉल्ट आता है बिलासपुर जंक्शन, यहाँ पहुँचती है दोपहर को 2:45 पर और 3 बजे खुलती है ट्रेन, 15 मिनट रुकती है। यहाँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है। इसका चौथा हॉल्ट आता है पेंडारा रोड, यहाँ पहुँचती है शाम को 4:38 पर और 4:40 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका पाँचवा हॉल्ट आता है अनूपपुर जंक्शन, यहाँ पहुँचती है शाम को 5:25 पर और 5:30 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका छठा हॉल्ट आता है शाहडोल, यहाँ पहुँचती है शाम को 6:10 पर और 6:12 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट आता है उमारिया, यहाँ पहुँचती है शाम को 7:08 पर और 7:10 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका आठवां हॉल्ट आता है कटनी मुरवारा, यहाँ पहुँचती है रात को 8:30 पर और 8:40 पर खुलती है ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका नवा हॉल्ट आता है सागौर, यहाँ पहुँचती है रात को 11:05 पर और 11:10 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका दसवां हॉल्ट आता है झांसी जंक्शन, यहाँ पहुँचती है रात को 2:15 पर, 2:25 पर खुलती है ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका लास्ट में 11वां हॉल्ट है हजरत निजामुद्दीन, यहाँ पहुँचती है सुबह 7:40 पर ट्रेन।